जनता पार्टी की 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया जाएगा, ये उन लोगों का घोषणा पत्र और संकल्प में घोषणा था, उसका क्या हुआ? बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में 50% महिलाओं को नगर निकाय में आरक्षण देने का काम किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम को और मजबूती देने में जुट चुके हैं और सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी ने जो वादा किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में कि महिलाओं को 33% हम जगह देंगे विधानसभा में या फिर लोकसभा में भी, लेकिन बीजेपी अपना वो वादा करके भूल गई। बिहार सरकार की मंत्री लेशे सिंह, जो कि आयरन लेडी के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी अपना वादा करके भूल गई, लेकिन नीतीश कुमार वो वादा पूरा करेंगे, महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाएगा जैसे बिहार में व्यवस्था की गई है। और नीतीश कुमार जिस मुहिम में है, अगर उस मुहिम में उन्हें सफलता मिलती है, दिल्ली में अगर गैर भाजपाइयों की सरकार आती है यानी कि महागठबंधन की सरकार आती है, तो महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। क्या कुछ लेशे सिंह कह रही है, जरा सुनिए। अच्छा मैडम, एक सवाल है, आप भी क्योंकि महिला है, 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही थी बीजेपी लोकसभा में भी और अन्य जगहों पर भी, लगता है कि मौजूदा समय में वो वादा निभाया है? देखिए, जो वर्तमान केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और उन लोगों का संकल्प था, संकल्प पत्र में उन लोगों का 2014 में 2019 में उन लोगों का संकल्प था कि देश के विभिन्न जो राज्य हैं उन राज्यों में विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया जाएगा और लोकसभा में, ये उन लोगों का घोषणा पत्र और संकल्प में था। तो वो उन लोगों को बताना चाहिए कि जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो ये उनका जो घोषणा था उसका क्या हुआ, ये उन लोगों को बताना चाहिए। और जहाँ रही हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सत्ता में आने के बाद, बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में जो राज्य सरकार को अधिकार था 50% महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में नगर निकाय में आरक्षण देने का काम किया, और साथ ही साथ बहुत सारे जो है स्कीम चलाई गई महिलाओं के लिए, 35% नौकरियों में आरक्षण दिया गया, बहुत सारा स्कीम चलाया गया ताकि हमारे महिला सशक्तिकरण मजबूत हो, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके, ये दिख रहा है। और देश की महिलाओं का ध्यान अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर टिकी है कि बिहार में जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में नगर निकायों में आरक्षण दिया गया महिलाओं को, नौकरी में विभिन्न अवसरों पर जो अवसर दिया जा रहा है, देश के में जो विपक्षी एकजुटता की बात हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और विपक्षी एकजुटता के बाद केंद्र में यदि विपक्ष की सरकार बनेगी, उसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, तो देश की महिलाओं का नज़र माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी है। जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करके नहीं किया, वादा नहीं निभाया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो देश की महिलाओं के लिए लोकसभा, विधानसभा, विभिन्न राज्यों के विधानसभा में आरक्षण देने का काम करेंगे। बिहार के साथ साथ देश की महिलाओं की नज़र हमारे नेता पर दिया जाएगा। 33% जो देश भर की महिलाओं का मांग है वो जरूर देंगे, बिहार में तो करके दिखाया। आप तुलना करती हैं नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार की, क्या तुलना करने में भारी पड़ता है नीतीश कुमार, आपको ऐसा दिखता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक संकल्प है जो देश में अभी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो तानाशाह है, और जो देश भर में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, जो हर तरह के मध्यम वर्गी और जो गरीब लोगों के हर तरह के खाने पीने की चीज़ों में जो टैक्स लगाया गया है, इससे त्रस्त है। तो जन भावना को देखते हुए हमारे नेता ने मुहिम चलाया है और सभी विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने का संकल्प लिए हैं, मुहिम चला रहे हैं, उस अभियान में लगे हुए हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी उड़ीसा गए हुए हैं, पहले भी
पश्चिम बंगाल माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विभिन्न जो विपक्षी दल हैं उनको एकजुट कर रहे हैं ताकि जो लोगों की जनभावना है, जो लोगों को लोगों के मन में जो आक्रोश है उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़े और ज़रूर सफल हों। उस विपक्षी एकजुटता एकजुट करने में, एक प्लेटफॉर्म पर लाने में जरूर सफल। तो बीजेपी तो वादा करके भूल गई, लेकिन नीतीश कुमार अब उस वादे को पूरा करेंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है। नीतीश कुमार तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। नवीन पटनायक से आज मुलाकात हो रही है उड़ीसा में, उसके बाद फिर मुंबई जाएंगे, उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलेंगे, अरविंद केजरीवाल से मिल चुके हैं, ममता बनर्जी से मिल चुके हैं, अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, राहुल गांधी से भी मुलाकात हो चुकी है। तो ऐसे में अब तमाम जितने विपक्षी नेताओं का महाजुटान होना है, क्या पटना में बड़ी मीटिंग होगी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा भी खूब कसके है, और अगर होगी तो फिर उन खबरों से भी आपको अवगत कराएंगे। लेकिन नीतीश कुमार अगर सत्ता में आते हैं, क्या नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बनाया जाएगा, इस बात की भी चर्चा बहुत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।